वनराज का टूटेगा घमंड, क्योंकि अनुपमा ऐसी हालत में भी दिखाएगी उसको उसकी असली औकात। साथ ही अब बारी होगी बरखा की। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा में आगे दिखाया जाएगा कि किस तरह से भाई वनराज की बाट जो है वो अनुपमा लगाने वाली है। साथ ही वो उसको इस तरह से टोलरेट करेगी कि भाई वनराज जो है उसकी भी शक्ल उतर जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ बरखा जो है वो तो ये सोच रही है कि भाई उसके सारे सपने पूरे होने वाले हैं, यानी कि कपाड़िया मेंशन के साथ साथ सारा बिजनेस जो है वो भी उसका होने वाला है। लेकिन जल्द ही बरखा का ये घमंड जो है वो भी टूटने वाला है। हालांकि आप देखेंगे बरखा फिर से इतना ज्यादा घिर जाएगी कि पाखी और अधिक के बीच में भी वो लड़ाई करवाएगी। तो चलिए बताते हैं इसके साथ और क्या क्या ट्विस्ट आने वाले हैं सीरियल में। भाई सबसे पहले तो आप देखेंगे जहां भाई अनुपमा और वनराज की आपको लड़ाई दिखाई जाएगी, जहां वनराज को ये लग रहा था कि वो अनुपमा का ऐसी हालत में फायदा उठा सकता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलत फहमी थी। जी हाँ, अब जैसे ही वनराज अनुपमा को बोलेगा कि चलो तुम मेरे साथ चलो, अपने परिवार चलो, मेरे से तो गलती हो गई, लेकिन अनुज भी भगवान नहीं था, अनुज ने भी वही किया। मेरे साथ तो तुमने 26 साल बिता लिए, लेकिन अनुज जो है वो तो 26 महीने भी तुम्हारे साथ नहीं बिता पाया। लेकिन आप देखेंगे कैसे अनुपमा जो है वनराज की लताड़ लगाने में देर नहीं लगाती है। अनुपमा जो है वनराज से कहती है, अच्छा तुम मेरे अनुज के बारे में बुरा बोलोगे, अरे एक बार अनुज की कंडीशन तो देख लो, अनुज का दिल टूटा है और वो ऐसे में कुछ भी कर सकता है। मुझे उन पर पूरा भरोसा है कि वो लौट कर जरूर आएंगे, और नहीं भी आए तो अनुपमा हमेशा उनका वेट करेगी, लेकिन तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएगी। अब जैसे ही वनराज ये सब देखेगा तो वनराज की तो शक्ल उतर जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ अनुज जो है वो इधर उधर रोड पे भटकने वाला है, वो काफी ज्यादा परेशान हुआ नजर आने वाला है। साथ ही आप देखेंगे कि अनुज जो है अपनी ही परछाई से बात करने वाला है, जहां अनुज की परछाई उसके सामने खड़ी होगी और अनुज से कहती है कि भाई ऐसा मत करो, तुम्हें क्या लगता है कि अनुपमा परेशान नहीं है, तुमने तो अनुपमा पर ब्लेम लगा दिए, लेकिन अनुपमा की हालत भी समझो। अब इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि अनुज जो है जल्द ही समझदार बन के अनुपमा के पास वापस लौट जाएगा, क्योंकि इस बात की भविष्यवाणी जो है वो अंकुश ने भी कर दी है। जी हाँ, आप देखेंगे अंकुश जो है वो बरखा के सपनों पर पानी फेरते हुए कहेगा कि भाई मुझे पता है अनुज अनुपमा दोबारा एक होंगे और फिर से इस घर में लौट आएंगे। जिसके बाद बरखा जो है काफी परेशान नजर आ रही है, क्योंकि बरखा ने तो एक भी कमी नहीं छोड़ी थी कि सब कुछ उसका हो जाए। बरखा को तो ये लग रहा था कि सारा का सारा बिजनेस प्रॉपर्टी अब मेरी हो जाएगी। इसी के चलते उसने पाखी और अधिक के बीच में भी लड़ाई करवाने की कोशिश की, जहां पाखी फिर से अधिक को वहीं छोड़कर चली गई। हालांकि अधिक ने पाखी की हालत को समझने की कोशिश की, लेकिन बरखा अपने ही प्लान बना रही है। पर आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड है वनराज के बाद अब बरखा की हालत देखने के लिए, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो कर लीजिए।